जिस तरह से एक अरसे पूर्व ब्लॉक प्रमुख लक्ष्मी नारायण यादव के प्रस्ताव पर जिला पंचायत में चंद्रनगर को लेकर प्रस्ताव रखा गया और वहां भी उसको सहमति मिली और उसके बाद कल नगर निगम की बोर्ड की मीटिंग में इस प्रस्ताव को अभूतपूर्व समर्थन मिला है। कहीं ना कहीं चंद्रनगर को लेकर अब कयास तेज हो गए हैं। इस पूरे मसले को लेकर भारत 24 के साथ नगर निगम के उपसभापति एवं 6 बार के लगातार पार्षद श्याम सिंह यादव जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार किस तरह से बोर्ड मीटिंग के अंदर सर किस तरीके का माहौल था और किस तरह से फिरोजाबाद को चंद्रनगर बनाने के लिए यह प्रस्ताव पारित हुआ। ऐसा है, कल बोर्ड की बैठक थी, औपचारिक बोर्ड की बैठक थी, जिसमें लगभग 17 प्रस्तावों को रखा गया था। उसमें एक प्रस्ताव ऐसा था जो फिरोजाबाद के हित में नहीं था जी, जो अधिकारियों का प्रस्ताव था। क्यों कि जब ये नगर निगम 2014 के बाद बनी है, 14 में बनी है जी, तब से लगभग 10% टैक्स बढ़ चुका था। पहले जिस मकान पे 350-350 रुपये टैक्स के आते थे, उस मकान पे आज की तारीख में 3000 रुपये लगते हैं जी। तो ऐसा प्रस्ताव था कि हम कुछ परसेंट इसमें और बढ़ोतरी करें जी, जिससे आय ज़्यादा हो और उससे नगर निगम का काम चले जी। मगर हम लोग जब चुन के फिरोजाबाद में आए हैं तो लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया है और हम उनके हित का काम नहीं करेंगे तो हमारी छवि खराब होगी जी। इसलिए उस प्रस्ताव को हमने सभी ने जी एक ध्वनमति से खारिज कर दिया जी। बाकी 17 प्रस्तावों में से 16 प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें कुछ गलियां बननी थी उसका प्रस्ताव था, और जो फालतू जो खराब हो गए वाहन जो बिल्कुल किसी काम के नहीं हैं, लोहा लंगड़ है, उसको स्क्रैच करके और उसको नीलामी करने का प्रस्ताव था। इस तरीके से 17 प्रस्ताव थे जी, जिसमें एक प्रस्ताव चंद्रनगर का था जी, कि फिरोजाबाद का नाम बदल के चंद्रनगर रख दिया जाए। उस पर सभी ने चर्चा की, हमने कहा कि भाई जब फिरोजाबाद शहर था नहीं, मुगलों के टाइम की बात है, जब चंदवार में चंद्रनगर नाम से एक शहर हुआ करता था जी, उसी को लेकर के हम आज सभी लोग, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया जी, और तुम्हारे अयोध्या पहले उसका नाम कुछ और था, अब अयोध्या रखा गया है, चूँकि अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ है जी, और उन लोगों ने उसका नाम बदल दिया था मुगलों ने जी, तो इसी प्रकार से फिरोजाबाद का नाम भी चंद्रनगर रखा जाए। इस प्रस्ताव पर सभी लोगों की सहमति बनी, एक दो लोगों ने कहा भी कुछ, तो हमने उनको समझाया कि जब 12 लोगों की कमेटी है, आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम चाहते हैं सभी लोग के इसका नाम चंद्रनगर रख दिया जाए और प्रस्ताव को पास कर दिया जी, ये बैठक में तय हुआ है जी। क्या लगता है, जिस तरीके से जिला पंचायत में भी इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिली थी और कहीं ना प्रस्ताव को हरी झंडी मिली थी और कहीं ना कहीं जो इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है कि चंद्रनगर कहा जाता था, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अगर बात करें तो वो फिरोजाबाद नहीं लिखते, वो चंद्रनगर ही लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये प्रस्ताव पास हुआ है, अब शासन की ओर आप निगाह लगाए देख रहे हैं तो क्या लगता है, क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या वास्तव में फिरोजाबाद चंद्रनगर के नाम से जाना जा सकता है? हमारे आरएसएस के लोग तो बहुत दिनों से चंद्रनगर के ही नाम से फिरोजाबाद को बोलते हैं, चंद्रनगर की शाखाएं अलग अलग मोहल्लों को भी उन्होंने उसी तरीके से बांट कर रखा है इस फिरोजाबाद को। हमें पूरा विश्वास है कि हमने जो प्रस्ताव पास किया है उसको शासन को भेज दिया जाएगा और शासन में इसको मंजूरी मिल के इस फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर और फिरोजाबाद के स्टेशन का नाम चंद्रनगर स्टेशन रखा जाएगा। ये बिल्कुल पूर्ण विश्वास है हम लोगों को,
और होकर ही रहेगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर लीडर एवं नगर निगम के उप सभापति श्याम सिंह यादव जी, जिन्हें आप सुन रहे थे। सीधे तौर पर चंद्रनगर को लेकर, क्योंकि फिरोजाबाद का प्राचीन नाम चंद्रनगर बताया जाता है, और चंद्रनगर को लेकर आरएसएस अब तक अपने पत्राचार और अपने जो कार्यालय हैं उन पर चंद्रनगर ही लिखती है। उसी तरीके से इसको जिला पंचायत में चौधरी लक्ष्मी नारायण, जो ब्लॉक प्रमुख हैं, उनके प्रस्ताव पर हरी झंडी मिली और उसके बाद वहां से उसे भेजा गया, और नगर निगम में भी इस प्रस्ताव को हरी झंडी दिखती हुई नजर आई है। और जिस तरीके से यह प्रस्ताव पास हुआ है, क्योंकि 11 मत, 12 में से 11 मत पक्ष में पड़े, और कहीं ना कहीं अभूतपूर्व ढंग से इस पूरे प्रस्ताव को पास किया गया। अब सीधे तौर पर शासन की तरफ निगाहें हैं कि प्रशासन क्या इस पर एक्शन लेता है और क्या वास्तव में फिरोजाबाद चंद्रनगर के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि पर्यटन को लेकर भी लगातार यहां कार्य जारी है। क्योंकि जिस तरीके से कार्य जारी है, क्योंकि राजा चंद्रसेन का किला हो, बहुत सारी चीज़ें राष्ट्रीय जो हमारा इतिहास है, इतिहास के पन्नों में ये सारी चीज़ें बाकायदा सुनहरे पन्नों में दर्ज हैं, जहाँ पर राजा चंद्रसेन का इतिहास और इस चंद्रनगर की वो विरासत, जिसके अवशेष आज भी खंडहरों के रूप में मौजूद हैं, जहाँ पुरातत्व विभाग की टीमें लगातार सर्वे कर रही हैं। क्योंकि राजा चंद्रसेन के द्वारा बनवाए गए तमाम मंदिर, चाहे वो 108 जैन मंदिर हों या फिर तमाम पसीने वाले हनुमान जी हों, टीले वाले हनुमान जी हों, तमाम वो रमणीक स्थल जो कि वहाँ मौजूद हैं, वह इसकी गवाही चीख चीख कर देते हैं कि हाँ, फिरोजाबाद कभी चंद्रनगर हुआ करता था। क्योंकि इतिहास के पन्नों में यह भी दर्ज है कि यहाँ अनेकों युद्ध भी लड़े गए और मुगल शासकों ने यहाँ आक्रमण किया और फिरोज शाह के नाम पर फिरोजाबाद, यहाँ इस चंद्रनगर का नाम फिरोजाबाद रखा गया। अब ऐसे में क्या वास्तव में फिरोजाबाद चंद्रनगर होगा, यह तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल इस फिरोजाबाद को चंद्रनगर बनाने के लिए नगर निगम हो या जिला पंचायत, दोनों जगह से प्रस्ताव पारित होकर शासन को जा चुका है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, इस खास इंटरव्यू में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं दिवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए एक विशेष संवाद।